हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जॉब्स एंड नोटिफिकेशन सीरीज। इस सीरीज में आपको मिलती हैं बहुत ही बेहतरीन जॉब अपडेट्स। तो इसी के कंटिन्यूशन में CEL से मैं दैट इज द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से कुछ वैकेंसीज आई हैं, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल हैं, क्या वैकेंसी आई है, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो आपको मेरे साथ वीडियो में बने रहना है। सबसे पहले तो एक नज़र डाल देते हैं CEL क्या है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आप सबको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है, जो कि आता है DSIR के अंडर, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च के अंडर। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ पोस्ट की कि कौन सी पोस्ट यहाँ पे निकली है, माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे भी निकली है और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी निकली है। रेगुलर बेसिस की मैं बात करूँ तो डिप्टी इंजीनियर की सेरामिक डिपार्टमेंट में निकली है, जहाँ पे टोटल वैकेंसी दो हैं आपकी। आपका BE BTech होना चाहिए, सेरामिक मेटलर्जी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन तीनों में से कोई एक में आपका BE BTech है तो डेफिनेटली आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस्ड बेस्ड पोस्ट है यहाँ पे, जो कि आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वहीं दूसरी पोस्ट है आपकी डेप्यूटी इंजीनियर की, 3 नंबर ऑफ पोस्ट हैं डेप्यूटी इंजीनियर के अंदर प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। और यहाँ पे BE BTech आगे अगर आपकी इलेक्ट्रिकल में, या फिर है आपकी MTech है अगर आपकी इलेक्ट्रिकल में, तो डेफिनेटली अप्लाई कर पाएंगे। BTech के स्टूडेंट्स का 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, MTech वाले यहाँ पे आप अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप डेफिनेटली इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। इसके अंदर आपका, अब मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर पाएंगे इसके अंदर। 2 ईयर्स BE BTech का होना चाहिए और MTech के लिए सिमिलरली कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पोस्ट है, डेप्यूटी इंजीनियर की ही है यहाँ पे और इंजीनियर ट्रेनीज की है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ये नंबर ऑफ पोस्ट आपकी क्या है, एक है। अगर यहाँ पे मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपका BE BTech होना चाहिए मैकेनिकल या मेटलर्जी या फिर आपका सेरामिक में। BTech है तो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, अदरवाइज अगर आपके पास में इन रिस्पेक्टिव ब्रांच में मास्टर्स है, MTech है, तो यहाँ पे कोई भी आपको एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वहीं डिप्टी इंजीनियर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, 3 नंबर ऑफ पोस्ट आई इसके अंदर। और यहाँ पे आपका BE BTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। BTech के साथ में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिएगा, मास्टर्स इन रिस्पेक्टिव ब्रांच में है तो कोई भी को एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आपको स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट की बात करूँ, सो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन करना है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म है वो कुरियर के थ्रू आपको 13 मार्च से पहले पहले आपको इसके अंदर CEL पे आपको भेज देने हैं, ये इसका मोड ऑफ एप्लीकेशन रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का अपडेट। आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा कौन सी पोस्ट पे आप अप्लाई करें, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.